हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग, जय हिंद। तो आज काफी दिनों के बाद मैं आप लोगों के सामने जयदीप सर को फिर से एक बार लेकर आया हूं और इंटरव्यूज से रिलेटेड आप लोगों के मिथ्स, डाउट्स, डूज एंड डोंट्स, ये आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो गुड इवनिंग सर। सर यहाँ पर काफी स्टूडेंट्स अब तो आपसे काफी फेमिलियर हो चुके हैं, बट सर वो हमेशा अब तो ये हालत है कि रोज वेट करते हैं कि आज कमांडर कश्यप हमारे लिए कुछ नया लेकर आएंगे। नहीं, थैंक यू सो काइंड ऑफ द ग्रेड अप टीम एंड ऑफ द स्टूडेंट्स टू कीप रिमेम्बरिंग मी। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू एंड आई वेलकम यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ ग्रेड अप। थैंक यू वेरी मच बच्चों। सो गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आप सभी लोग जो मेरे साथ आज के सेशन में जुड़ चुके हैं, आज हम पर्सनल इंटरव्यू का एक सबसे ज्यादा जो डाइसी पार्ट होता है रैपिड फायर क्वेश्चंस का, जहां पर असेसर आप लोगों से कॉन्टिन्यूटी में क्वेश्चंस पूछते हैं, ब्रेक नहीं लेते, आप लोग भी कई बार भूल जाते हैं, तो वही मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और यहां पर एक एक्सपर्ट एडवाइस जो है वो सर का आपको मिलता रहेगा, जहां पर सर आपको बताएंगे कि डूज एंड डोंट्स क्या है, कैसे आपको असेसर के क्वेश्चंस को टैकल करना है, इनकेस यू फॉरगेट देम व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप। So today this session will be a combo for all of you. So यहाँ पर आपको interviews की basic चीजें भी आज पता चलेंगी, and along with it, the sir will also tell you about what all hacks are there to control this entire rapid fire round of questions. Clear? So good evening all, good evening Jai Hind, आप सभी लोग जो मेरे साथ आज session में आ चुके हैं, I would request you to please do like the video and do not forget to share it with your friends. अभी तक जिन लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, जिन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है, जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज ऐसी चीजें सर आपको बताने वाले हैं जो या तो आज पता चलेंगी या फिर एसएसबी में ही पता चलेंगी। तो सर आज का सेशन अगर स्टार्ट करते हैं, सर सबसे पहले थोड़ा सा स्टूडेंट्स को रैपिड फायर और उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में बता दीजिए। ओके, सबसे पहली बात, लेट मी टेल यू, इंटरव्यू तो दोपहर को होता है, सुबह आपके साइक और जीटीओ चलते रहते हैं। जो हम रैपिड फायर होते हैं उसमें सबसे बड़ी बात जो देखी जाती है, आपकी रिटेनिटिविटी देखी जाती है कि कितना आप याद रख सकते हैं, कि जो इंस्ट्रक्शंस, जो ब्रीफिंग आपको दी गई है, आपने उसको समझा या नहीं समझा। ओके, हम एक पर्टिकुलर, अगर आप बड़े ध्यान से सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि सारे क्वेश्चन एक पर्टिकुलर सेट में पूछे गए हैं। अगर आपको वो पैटर्न समझ में आ जाए, देन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू आंसर। ओके, और रिटेनिटिविटी में इसलिए कहता हूं कि अगर आप देखोगे तो इवन जीटीओ के टाइम पे भी हम कई बार ये कहते हैं कि आई विल टेल यू दिस स्टोरी फॉर वंस एंड ओनली वंस, प्लीज लिसन केयरफुली, दैट इज ऑल्सो टू सी योर रिटेनिटिविटी, जबकि वो बहुत स्लोली बोलता है। इसी तरीके से वहां वो आपको स्टोरी जीपी नरेट करते हुए आपकी रिटेनिटिविटी देखता है, यहां हम आपको रैपिड फायर क्वेश्चंस का 15 से 16 क्वेश्चंस एक साथ में पूछ लेते हैं और देखते हैं कि आप उन सब का आंसर सही तरीके से दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। उसमें हमें मालूम पड़ता है कि आपका ग्रास्प कितना है, कि अगर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस पास की गई हैं, आर यू एबल टू असिमिलेट देम प्रॉपरली इन टू योर माइंड, पुट देम इन अ लॉजिकल मैनर एंड रिप्लाई देम वेरी लॉजिकली। सो दिस इज व्हाट इज द क्रस्ट व्हाई वी गिव यू रैपिड फायर। या गो अहेड सर, रैपिड फायर की अभी तक जैसे सिग्निफिकेंस की बात करी गई, सर काफी स्टूडेंट्स को शायद यही नहीं पता है कि ये जो सीक्वेंसेस हैं वो किस तरह से होते हैं। तो सर जैसे अगर एक असेसर्स लिंगो में हम उन्हें सीआईक्यूज बोलते हैं, हाँ। तो सर आप स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए व्हाट ऑल सीआईक्यूज आर देयर और कैसे वहां पर एक अलग अलग पर्सनैलिटी ट्रेट बैकग्राउंड के बारे में असेसर फिर स्टूडेंट्स से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, नहीं, पहले मैं बता दूं कि रैपिड फायर का एक सेट होता है, देयर इज अ प्रॉपर वे इन विच रैपिड फायर इज आस्क्ड। इट स्टार्ट विद योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, याद रखो, ही ऑलवेज आस्क यू, ओके चेस नंबर 13, आई वुड लाइक यू टू टेल मी समथिंग अबाउट योर एजुकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम योर इनिशियल स्टडीज। आप यहां गलती कर जाते हैं, इनिशियल स्टडीज जब आपने फर्स्ट क्लास ज्वाइन करी, नर्सरी ज्वाइन करी, वहां से पढ़ाना है आपने, आप भूल जाते हैं। ओके, तो याद रखिए, व्हेन आई से इनिशियल, आई से इनिशियल, इज इट क्लियर? आप भूल जाते हैं। तो सबसे पहली कहां से शुरू हुई? आपकी एजुकेशन से। नाउ ही टेल्स यू नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो एन एजुकेशन।
you tell me about your, where you started your schooling from, and then tell me where all you did your schooling from, and tell me you did your 10th at 10 from which board, and what was the percentage of marks received by you in your respective exams. So abhi kya chal raha hai, education hi chal raha hai. He started with your initial education, came down to 10th, came down to 12th. He's asking you the board. He's asking you the percentage of marks achieved. Isn't it a sequence? Okay. Or differently, dekhe, to aapne dekhe ki jo PIQ ka page 1 hota hai, uske base se shuru kiya aapne. Education sabse niche likhte hain hum uske bare mein padh rahe hain. Okay, education se related kai sare question usme wo add karta hai. Also tell me, during your class 10th, or during your class 12th, what was the reason to select science or whatever subject you have selected? Which is your favorite subject? Everything is doing with your education. He has not moved out of your education so far. So he started with, okay, chest number, tell me something about your initial education. Then tell me where you did your 10th and 12th from. What was the name of the school? Which was the board? And what was the percentage of marks received by you in your 10th and 12th? Okay, tell me what was the reason for you to select science, because uske paas aapka PIQ hoga, so he knows. What made you think that science is the right subject or right choice for your class 12th? Okay, during your school days, what was your favorite subject? I'm talking with respect to NDA now, please don't worry, this can be also going up to further up. Okay, tell me with respect, while you're in your class 12th, what was your favorite subject and why do you think it was your favorite subject? Who was your favorite teacher and why do you think she was your favorite teacher? Now everything is going now with education and nothing beyond that. Okay, after this tell me, after your school, what all activities did you participate in? Jabab school se, now he's talking to you when you have reached home or you are still doing something in the school. So whether it was with respect to aap apne school mein apne chutti ke baad rukke koi क्लब ज्वाइन कर रखा है या कुछ ज्वाइन कर रहा है उसके बारे में बताइए, या आप घर में आने के बाद आपकी एक्टिविटी क्या रहती थी उनके बारे में बताइए. क्लियर? नाउ फ्रॉम एजुकेशन ही गोज टू योर फैमिली एंड ही सेज, टेल मी समथिंग अबाउट योर पेरेंट्स, देयर एजुकेशन. नाउ यू सी, फ्रॉम एजुकेशन ही हैज कम डाउन टू योर फैमिली. देयर कैन बी मोर एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस टू दिस रैपिड फायर ऑफ द एजुकेशन साइड. आई हैव गिवन यू जस्ट अ स्मॉल ग्लिम्प्स, आई एम नॉट कवरिंग द whole aspect, because every assessor has a different way. हर एक का अपना तरीका होता है पूछने का, हर एक का अपना एक सिस्टम होता है पूछने का, और काफी कुछ डिपेंड करेगा आपके PIQ में दी गई इंफॉर्मेशन के ऊपर. ओके, सो प्लीज बेयर विद मी. आपके एजुकेशन के बाद वो जाता है आपके पेरेंट्स के ऊपर. टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, आपके पेरेंट्स, भाई, बहन, इन सब के बारे में. ओके, नाउ ही टेल्स यू वेरी क्लियरली, टेल मी about the education qualification of your parents. Okay, tell me what are they doing and what is their annual income. Now you see, he is asking about your family. Pehle parents ke bare mein pooch liya. So what is asking about education unki, unki job ke bare mein, unki income ke bare mein. So the second set of question is to do with the family and parents. Okay, third question, matlab third thing which get involved into it is, tell me, अगर आप, अगर उसने उस वक्त कुछ ऐड नहीं किया तो देन ही गोज डायरेक्टली टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. ऑल्सो टेल मी हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स यू हैव एंड व्हाट इज योर पोजीशन इन द फैमिली. ओके, नाउ ये वो एक ही बारे में बोल रहा है. नाउ यू सी हाउ मेनी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रैपिड फायर. वो एक ही जैसे LMG चलती है ना, एक बार प्रेस करा ठक 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 100 गोली निकल गई, ऐसे ही एक बार प्रेस करा साला 20 क्वेश्चन पूछ लिया गया. तो दैट इज वेयर द पॉइंट कम देन. ओके, नाउ ही कैन इवन आस्क यू, जब आपने अपने ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स के बारे, ही विल आस्क यू इसी में कुछ क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर फैमिली. नाउ बी प्रिपेयर्ड, कि फैमिली से ही चल रहा है, फर्स्ट एजुकेशन एंड देन कम्स योर फैमिली. देन ही आस्क यू, अमंग योर पेरेंट्स हुम यू लाइक द मोस्ट एंड व्हाई. ही मे नॉट आस्क यू दिस, एंड द वे ऑफ आस्किंग यू, इफ यू हैव गॉट अ सीक्रेट और समथिंग इज ट्रबलिंग यू एट द बैक ऑफ योर माइंड, हुम डू यू शेयर इट विद यू इन योर फैमिली. नाउ ही इज आस्किंग अबाउट फैमिली. और आप लोग क्या करते हैं, सर आई थिंक आई विल फर्स्ट शेयर विद माय फ्रेंड नितिन. अरे भाई, द क्वेश्चन इज नॉट हुम यू विल शेयर विद आउटसाइडर, ही इज आस्किंग यू अमंग योर फैमिली. बाय यू सेइंग नितिन, ही सरप्राइज, नितिन तो फैमिली में नहीं है. तो इज ही, हैज ही गॉट माय क्वेश्चन करेक्टली और नॉट? सर यहां पर, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, हां प्लीज, यहां सर
काफी स्टूडेंट्स को ये लगता है कि सब क्योंकि काफी फैमिलीज ऐसी होती हैं जहां पर कजन्स भी बच्चों के साथ रहते हैं, हो सकता है सर कई बार पेरेंट्स भी किसी एक डिस्टेंट रिलेटिव के घर ही रहते हैं। सर इस सिचुएशन में क्या स्टूडेंट को कजन्स की भी बात करनी चाहिए और शुड ही स्टिक टू हिज इमीडिएट फैमिली मेंबर्स ओनली? ओके, फर्स्ट ही मस्ट ब्रीफ अबाउट हिज इमीडिएट फैमिली। सर दिस इज माय फादर, दिस इज माय ब्रदर, दिस इज माय सिस्टर, दिस इज आई एम, दिस वी आर फोर ऑफ अस, माय नंबर इन द फैमिली इज टू, दिस एंड देन ही से सर दो दिस इज माय इमीडिएट फैमिली बट वी लिव इन अ जॉइंट फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ ए बी सी डी एंड ई, ही मस्ट इन्फॉर्म देम बिकॉज इट चेंजेस द आउटलुक टोटली। बिकॉज अपब्रिंगिंग जो है बच्चे की एक ज्वाइंट फैमिली के माहौल में हुई है और ज्वाइंट फैमिली में यू मे बी क्लोज टू वन ऑफ योर कजिन देन योर एल्डर ब्रदर और योर यंगर ब्रदर और योर सिस्टर, इट इज क्वाइट पॉसिबल। सो ही मस्ट मेक इट वेरी क्लियर ड्यूरिंग जब वो इस क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं कि सर ये मेरी इमीडिएट फैमिली है, मैंने बताया, बट लेट मी टेल यू हम सब एक ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं जिसमें मेरे चाचा हैं, ताऊ हैं, मेरे दादाजी हैं, या हमारे दादाजी भी हमारे साथ रहते हैं। So he must tell immediate family के बारे में जिनके साथ if it is a joint family. I think I cleared your question. Sir, बिल्कुल sir. That was the question. Now, अब आपके family के बारे में पूछा. Now he has informed. Now you see, now you know कि पहले मुझे education के बारे में बोलना है. ये question आपको roughly idea हो गया. फिर मुझे अपनी family के बारे में बोलना है. आपको rough idea लग गया. अब now he asks you. जब वो family से पूछा होता है, sometime उसी वक्त बोल देते हैं. Also tell me. What your elder brother thinks about you? What is his opinion about you? So now he is asking कि आपका बड़ा भाई आपके बारे में क्या सोचता है? याद रखिए इस वक्त आपको अपने अपने आपके बड़े भाई ने आपके बारे में क्या बोलेगा? जैसे लड़की देखने जाने के टाइम आप क्या बोलते हैं? मेरी बहन पढ़ने में अच्छी है, लिखने में अच्छी है, इसमें अच्छी है, उसमें अच्छी है। So when your brother talks about you, he will always talk. And when you are narrating me, you will also talk. Only positive points of your, okay? सर यहाँ पर एक बहुत बच्चों को डाउट आता है कि सर आइडियली कि सर शुड बी ऑनेस्ट बिफोर द असेसर। अगर मेरा भाई सर जैसे कई बार स्टूडेंट सेशन के बीच में डाउट पूछते हैं कि सर पेरेंट्स ओपिनियन में मेरे तो पापा मुझसे कहते हैं कि यार तू गधा है, तुझसे कुछ नहीं होगा, यू आर मियरली वेस्टिंग टाइम, ये सारी चीजें। सर इफ दिस इज द जनरल पर्सपेक्टिव तो उस सिचुएशन में सर कैंडिडेट समटाइम्स ही गेट्स कंफ्यूज्ड कि उसे क्या करना है। तो सर आप आज बिल्कुल यहां पर स्टूडेंट को क्लियर बता दीजिए कि मतलब देखो बेटा सेल योरसेल्फ, एक मिनट यू हैव टू सेल। आप अपने लाइक मैं बता रहा हूं, जैसे शरद ने पूछा कि आपके पापा कह रहे हैं गधे हैं, आपको गधा नहीं कह रहे, गधे के पॉजिटिव पॉइंट बताओ। सबसे ज्यादा लोड कौन उठाता है? गधा। घोड़े को कोई काम नहीं देता। Or why he is saying you gada? Have you ever thought that he thinks that you have got more potential than what you are doing? आपके अंदर बहुत ज्यादा potential है जिसको आप पूरी तरह utilize नहीं कर रहे। By telling you gada, he want to bring that potential out of you. So he is not demoralizing you. He is not putting you down. He wants you to do better. He knows that he can do better. और आप इससे अच्छा कर सकते हैं, आप इससे ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। इस चीज को निकालने के लिए पापा ऐसा कहते हैं। इसलिए नहीं, आप भी जब बड़े हो जाएंगे और आप भी पापा बनेंगे, अबे क्या कर रहा है, खता है क्या, आप भी ऐसा बोल देंगे। दो यू मे नेवर मीन इट। ओके, तो व्हाट द आइडियल थिंग, जब जैसे पूछा गया, जैसे शरद ने पूछा कि बच्चों को क्या जवाब देना चाहिए, व्हाट योर पेरेंट्स थिंक अबाउट इट। बच्चों आप ये याद रखना, माय पेरेंट्स थिंक आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि पापा गधे के साथ ये भी तू कर सकता है ये भी कहते हैं ना, तू गधा है तू कर सकता है। दैट मीन दे हैव कॉन्फिडेंस इन यू, दे हैव कॉन्फिडेंस। वो साथ साथ कह रहे हैं तू गधा बट यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग इट, आप कर सकते हो। गधा तूने ये नहीं किया, तू तो कर सकता है। आपने गधा तो पकड़ लिया, जो कर सकता है वाली बात है उसको भूल गया, ऐसे कैसे हो सकता है? सो शरद आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? सो इवन इन दैट देयर इज अ पुश फॉर द चाइल्ड। He is not putting you down because nobody else other than your parents will push you. आपके parents के अलावा कोई और आपको ऐसे नहीं बोला, या बहुत close friend who was very very closely associated with you, only those person will talk like this with you. And they think, और वो क्या है, आपके well-wishers हैं। So you see the गधा है तो क्या, कोई बात नहीं, don't worry। साथ में क्या कह रहे हैं उसको भी तो देखो ना,
गधे के बाद जब पूरे सेंटेंस को तो बताओ मेरे को, तब मालूम पड़ेगा। आगे चलिए शरद सर। सर तो एक तरफ तो आपने बताया सर एजुकेशन, नेक्स्ट इज फैमिली, नेक्स्ट सर व्हाट ऑल क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। नाउ 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 रैपिड फायर में यहीं तक होता है, बट बाकी सब कुछ जो होता है इसी में निकल के आता है। एजुकेशन के बाद ही टेल्स यू ओके, वंस यू हैव डन योर सॉरी एजुकेशन हो गया, पेरेंट्स हो गए, देन ही कम्स इमीडिएटली टू योर सिटी वेयर यू लिव और द प्लेस वेयर यू लिव और द एरिया फ्रॉम वेयर यू बिलोंग टू। ओके, वंस यू हैव डन, आई वुड ऑल्सो लाइक यू टू टेल मी समथिंग अबाउट से नागपुर, व्हाई नागपुर इज फेमस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नागपुर। सो नाउ यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट योर सिटी स्टेट एंड ऑल। ओके, कई बार बच्चे कहते हैं सर हमारी तो कोई सिटी स्टेट नहीं, हम तो घूमते रहे। तभी वो पूछते हैं, आप देखो आपके PIQ में लिखा है स्टेट ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंस, ओके प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंस लिखा है, ही विल आस्क यू ऑन दैट, क्या आप यहां रहे हैं इतने ज्यादा, आप टेल मी समथिंग अबाउट दैट। और याद रखो जब आप पहले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, एजुकेशन के ऊपर आंसर दे रहे हो, पेरेंट्स के ऊपर आंसर दे रहे हो, वॉट आंसर्स आर यू गिविंग, व्हाइल यू आर गिविंग दोज आंसर ही विल स्टॉप यू इन बिटवीन आस्क यू क्वेश्चन। आपने जो आंसर दिया है उससे रिलेटेड बात के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर पूछेगा। सो इट इज इन योर हैंड कि आप ऐसी कोई बात ना बोलें जिसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस ना हो। कोई भी ऐसी बात ना बोलें जिसकी आपको, आपने बोला कि सर आई एम वेरी गुड इन माई पेरेंट्स सिंग आई एम वेरी गुड इन दिस एंड, अब वो वेरी गुड जो आपने बोला वो ही विल ओके टेल मी समथिंग अबाउट दिस, व्हाट यू मीन बाय वेरी गुड, टेल मी, आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू। सो आप जो बोल रहे हैं आईओ उसको भी पकड़ रहा है, आपके क्वेश्चंस में से जिसका आपने आंसर दिया है उसमें से वो क्वेश्चंस भी बना रहा है आपके लिए। इसीलिए रैपिड फायर बड़ा लंबा खिंच जाता है, तभी मैंने कहा आप एंड तक पहुंच, क्योंकि वो आप एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, देन ही सडनली आस्क यू, जब आपने कहा माय 10th मार्क्स वाज दिस, 12th मार्क्स वाज दिस एंड देयर इज अ डिक्रीज इन मार्क्स, ओ यू गॉट लेस मार्क्स इन 12th एज कंपेयर टू 10th एंड यू सेड योर फेवरेट सब्जेक्ट्स आर साइंस, व्हाट हैपेंड, these are your favorite subject, you selected them and then what happened, now you see आपका एक फ्लो था वो टूट गया ना, now you have to explain him about why the reason of reduction in marks and then he उसके बाद वो चुप हो जाता है। हाँ सर, नहीं सर प्लीज कंटिन्यू सर। वो चुप हो जाता है क्योंकि अब आपको वहीं से लिंक पकड़ना है कि अभी मैं 12th तक ही पहुंचा था, I have to move forward, वो भी आपको याद रखना है। गो ahead चलो सर, सबसे बड़ा इशू यहाँ पर यह आता है कि स्टूडेंट्स कई बार भूल जाते हैं क्वेश्चंस। सर रैपिड फायर में काफी क्वेश्चंस पूछे गए, 10-15 क्वेश्चंस पूछे गए और स्टूडेंट भूल गया। सर उस केस में वो क्या कर सकता है? ओके, सबसे पहली बात तो जितना उसको याद है, अगर मैंने 20 क्वेश्चन पूछे उसको 16 याद है, 15 याद है, 14 याद है, जिस भी सीक्वेंस में याद है, लेट हिम आंसर दैट। मैंने एक बात सबसे बड़ी ध्यान से बोली, आपने सुनी नहीं, सुनी मुझे नहीं पता, डोंट वरी समटाइम अबाउट द सीक्वेंस। अगर आपको 16 में 20 में से 16 याद है, आगे पीछे भी हो गए कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट मीन्स देयर इज देयर एट द बैक ऑफ योर माइंड एंड यू आर आंसरिंग इट, दैट मीन्स यू आर अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन। जैसे हम OIR में कहते हैं ना कि अगर नहीं याद आ रहा तो छोड़ दो आगे चले जाओ, समथिंग सिमिलर टू दैट। अगर आपको बीच में कोई याद आ गया पुराना छूटा हुआ क्वेश्चन, reply it then there. Okay. So don't worry about कि मुझे A B C D E F G H में ही चलना है. आप A भी दे सकते हैं, C भी दे सकते हैं. Come back to B, go back to E. Okay. So what is important is that you try to attempt maximum question which have been asked in the rapid fire. That shows your grasp. Sequence सही बार ऊपर नीचे हो जाती है, which is acceptable. But try to grasp and do maximum answers. हाँ शरद आप कुछ कह रहे थे. Sir, but what happens that if in case a candidate forgets the question, okay, now he never answers them, or sir, assessor से पूछे भी ना कि मैं कुछ पूछ चुका हूँ, उसे ऐसा लग रहा है कि मैं सारे क्वेश्चन मार्क कर चुका हूँ, तो सर ऐसे में assessor के ऊपर क्या impression पड़ता है, and what ideally a candidate should do? Okay, don't worry. Sometimes when your answers are, I would say कि less than 75% आपने उसमें answer दिया, तो assessor कहे, can you tell me something about these also? That's a hint to you कि आप ये भूल गए. That's what I said. जब आपको 75% से कम रह जाएंगे, when your attempts are, आपने 20 में से 16 का आंसर नहीं दिया तो वो जरूर पूछेगा आपसे. Okay, 15-16 का आंसर नहीं दिया तो पूछ लेगा. Can you tell me something about this? That's a hint to you कि आप भूल गए.
बट ही हैज टू गेट दोज इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू सो ही विल आस्क यू. बट अगर आपको लगता है यू कैन बी मोर पोलाइट एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सर आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू हैव आस्क्ड. इन केस आई हैव लेफ्ट आउट सम, आई विल बी ग्रेटफुल इफ यू कैन आस्क मी अगेन. तो समटाइम्स ही विल टेल यू, बट रिमेंबर ये आप एक बार पूछ सकते हैं, बार बार नहीं. यू कांट कीप रिपीटिंग इट. ओके हाँ, अगर आपको एक मिनट, सॉरी शरद, हाँ अगर आपको जब एक नया क्वेश्चन पूछा गया है और वो क्वेश्चन आपको ढंग से समझ में नहीं आया है, देन नाउ इट्स ए न्यू क्वेश्चन, यू कैन आस्क सर सॉरी आई कुडंट गेट इट वेरी क्लियरली, क्या आप उसे प्लीज रिपीट कर सकते हैं, ही विल एक्सप्लेन यू अगेन. बट दिस शुड नॉट बिकम ए रेगुलर प्रैक्टिस कि आप हर दूसरे क्वेश्चन या तीसरे क्वेश्चन के बाद ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं. दैट शोज कि यू आर नॉट अटेंटिव और यू आर नॉट एबल टू गेट द ग्रास्प ऑफ इट. बोलिए चरण सर. बट कई बार जैसा सर कैंडिडेट्स यूजुअली कहते हैं कि सर हम एसएसबी गए और सर ड्यूरिंग द इंटरव्यू इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू लुक इनटू द आईज ऑफ द असेसर, और सर उसी की वजह से कई बार कंसंट्रेशन, बच्चे का सारा ध्यान बस इसी चीज पर है कैसे असेसर के साथ आई कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश करें. ओके ओके शरद, ओके शरद, आई कॉन्टेक्ट डजंट मीन दैट लुकिंग इनटू आईज ऑफ ईच अदर, लाइक आई कैन नॉट कॉन्स्टेंटली लुक इनटू योर आईज. जब आपको ऐसी प्रॉब्लम आए, देखो कहां कहां पे आई कॉन्टेक्ट ब्रेक होता है. जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है कोई, आप उसको सोचने देते हैं. जब सोचते हैं तो इट्स ए ह्यूमन हैबिट टू लुक. ओके सो योर आईज ऑटोमेटिकली ब्रेक कॉन्टेक्ट विद एंड दैट इज एक्सेप्टेबल. डोंट थिंक कि मैंने क्वेश्चन के लिए भी जब क्वेश्चन पूछा उसके बाद भी ऐसे ही घूरते रहना उसे. नहीं, डोंट डोंट. और घूरना नहीं है, आई कॉन्टेक्ट मीन्स विद ए पोलाइट आईज, ऐसे आंखें निकाल के काली वाली माता वाली आंखें नहीं, बिल्कुल आराम से कृष्ण कन्हैया वाली आंखों की तरह से उसको देखना है, जस्ट लाइक द वे शरद लुक्स एट मी पोलाइटली. और जब आपको लग रहा है कि मुश्किल है उनसे आई कॉन्टेक्ट बनने में, डोंट लुक एट इनटू हिज आईज डायरेक्टली, लुक टू हिज ईयर, लुक टू हिज लेफ्ट ईयर, राइट ईयर, लुक एट हिज चिन, बट कंसंट्रेशन इज ऑन द फेस. तो इवन ही विल नॉट बी एबल टू, लेट मी टेल यू, बिकॉज यू आर ऑल्सो सिटिंग 6 feet अवे. ओके सो आपको आंखों में नहीं देखना, आप कभी उसकी चिन की तरफ देख लें, कभी उसके हेड की तरफ देख लें, कभी उसके लेफ्ट ईयर की तरफ देख लें, कभी राइट. सो योर आईज आर मूविंग बट नॉट लुकिंग इनटू आई टू आई, बट यू कैन स्टिल सी व्हाट एवर ही इज सेइंग. ओके बट हाँ, एक जब आप सोचते हो कोई चीज तो कभी भी सोचने के लिए नीचे नहीं देखना, डोंट लुक डाउन. ओके ट्राई टू मेंटेन अपवर्ड स्टेंस. सर यहां पर अगर एक असेसर के पर्सपेक्टिव से मैं आपसे पूछूं सर, व्हाट आर दी प्राइमरी मिस्टेक्स कमिटेड बाय अ कैंडिडेट ड्यूरिंग दिस रैपिड फायर राउंड? ओके, रैपिड फायर राउंड में सबसे बड़ी बात होती है ही इज इन ए हरी टू आंसर. ही इज इन ए वेरी मच ऑफ ए हरी. अभी हम चुप भी नहीं हुए होते और वो शुरू हो जाता है. उसको एजुकेशन याद है, इसलिए मैंने कहा ना, उसको एजुकेशन याद है, उन्हें 10th एंड 12th से ही शुरू कर देना है. ओके so he's in a hurry. Please, you have been given 20 questions. Take at least 10 seconds ki kya kya puchna hai, main kis sequence mein jawab dunga. Okay, main apni schooling ka jawab dunga, 10th ka jawab dunga, 12th ka jawab dunga, maine ye subject kyun select kiye, mera favorite teacher kaun tha, mera favorite subject kya tha. Okay, main ghar jaake kya kya karta hu ya school ke baad meri activity kya hai. Okay, done. Ye, now you have spoken about education. Now you start speaking about your education. Don't worry about second part abhi. Once you have finished this, because इसको ही फिनिश करने में इतने क्वेश्चन बीच में आ जाएंगे, जैसे वो पूछेगा हाउ मेनी फ्रेंड्स आर देयर, जब आप घर जाते हो, जब आप when you are answering कि आई गो एंड प्ले फुटबॉल, ओके why do you play football, do you like football, to what level, how do you, तो वो कई चीजें बीच में आ जाएंगी जो आपको करेगा. ओके यू हैव बीन द कैप्टन, यस सर आई वॉज कैप्टन ऑफ द फुटबॉल. ओके तो पीछे PIQ में देख लेगा लिखा है नहीं लिखा है, और उसके बाद पूछेगा ओके टेल मी समथिंग अबाउट फुटबॉल रूल्स ग्रेजुएशन, ये तो यू सी यू स्टॉप. नाउ रिमेंबर सेकंड क्या है, फैमिली. सो व्हेन यू आर कमिंग, ओके सर नाउ आई विल कम टू माय फैमिली, नाउ टेक अगेन 10 seconds 12 सेकंड्स टू मेरे को फैमिली के बारे में बताना है. ही आस्क फॉर फादर, ही आस्क फॉर मदर, ही आस्क फॉर देयर एजुकेशन, देयर जॉब, देयर एनुअल इनकम, देन आई हैव टू टेल अबाउट माय ब्रदर सिस्टर्स, व्हाट आर देयर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, व्हाट आर दे डूइंग एंड ऑल. नाउ यू आर प्रिपेयर्ड. Now start. अब वो होता क्या, बच्चा इतना जल्दी में होता है कि हमारा मुंह भी नहीं बंद होता और उसका, तो थिंक, assimilate it out here, listen to the question carefully, assimilate it into your mind and then start answering.
then you are doing justice to your answers. This is what I am trying to say. Sir, यहाँ पर कई बार कैंडिडेट को लगता है कि it is the assessor who is driving the entire interview. सर आपके हिसाब से मेन ड्राइवर क्या होता है पूरे ड्राइवर इज द कैंडिडेट ड्राइवर इज द कैंडिडेट जैसे जैसे वो आंसर देता है मैंने क्या कहा आपके आंसर्स के ऊपर जब वो आप एजुकेशन भी नहीं पूरी कर पाएंगे बीच में पांच छह क्वेश्चंस और आ जाएंगे जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको सो उसने कहा आई प्ले फुटबॉल जैसे मैंने कहा ओके यू प्ले फुटबॉल सो व्हाट वर योर अचीवमेंट सर आई वाज कैप्टन सो हु इज ड्राइविंग बच्चे के हाथ में डोर अभी भी उसने बोला फुटबॉल उसने बोला यू आर गिविंग मी information and I am using that information to judge you. So control of the interview actually is in the hand of the candidate. He can drive it the way he wants it. वो अपनी वो बातें बोले जिसमें उसको confidence है जिसमें वो तो what will happen? If he has been a football player, he said I was a football player and I was captain of the match. Okay, you were the captain. तो आपको क्या क्या achievements मिली? Okay. Do you know how what is the length and breadth of the football field? Yes, sir. Thak 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 thak. Okay, if I ask you to organize a football match, can you do it? Now you see from football, these questions are going on in the mind of the, are going on with the candidate and the assessor. So who is driving the interview? Assessor or candidate? Candidate's answers are responsible for the next question, which the assessor will ask. Okay, go ahead. सर तो यहाँ पर सर अगर हम देखते हैं पूरे इंटरव्यू की अगर बात करें इंटरव्यू एक तरफ तो आपके रैपिड फायर कुछ क्वेश्चंस हो गए और एक तरफ सर ऑर्डिनरी जो जेनरिक क्वेश्चंस असेसर पूछते हैं तो सर हाउ आर बोथ ऑफ देम इंटररिलेटेड इंटरकनेक्टेड ओके देखो ये जो क्वेश्चन है या जो कोई भी हम आपको ये नहीं कहूंगा कि क्वेश्चन इररिलेवेंट होते हैं या जैसे आपने कहा दे आर ऑल इंटररिलेटेड ओके व्हेन आई आस्क यू टू ऑर्गेनाइज समथिंग दीज आर ऑल रिलेटेड टू नाउ आप कहोगे सर एजुकेशन में फुटबॉल और आपने ऑर्गेनाइजिंग फुटबॉल मैच कर दिया आई हैव टू सी हिज ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी ना मैंने उसका वो भी देखना करो करो अब वो कहता है आपने कहा कि सर व्हाई डू यू वांट टू नो कि व्हाई यू वांट टू ज्वाइन आर्मी और व्हाई यू वांट टू ज्वाइन एयरफोर्स व्हाई यू वांट टू ज्वाइन नेवी आई हैव टू सी सम क्वालिटीज इन हिम ना मुझे वो जो एलक्यूज है उनसे जस्टिफाई करना है ना तो उनको असेस करने के लिए मेरे पास कई क्वेश्चंस हैं जिनको मैं पूछता हूं जैसे आपने कहा हॉबीज इंटरेस्ट दीज आर नॉट रिलेटेड टू रैपिड फायर क्वेश्चन दीज आर अदर क्वेश्चन इसमें मुझे उसकी कोऑपरेशन दिखती है इसमें उसके मुझे उसकी टीम स्पिरिट दिखाई देती है इसमें मुझे उसकी डिटर्मिनेशन दिखाई देती है कि बच्चे ने फुटबॉल खेलनी शुरू करी यहां तक खेली यहां आके क्यों छोड़ दी व्हाई डिडंट व्हेन ही वाज कैप्टन ऑफ द फुटबॉल टीम इन हिज स्कूल व्हाई डिडंट ही कंटिन्यू इट इन हिज कॉलेज व्हाट फोर्स्ड हिम नॉट टू डू दैट मीन्स ठीक है स्कूल में मौका लगा था तो हम कर गए यहां पर हम आई डोंट वॉन्ट I want to अरे अगर आपने स्कूल में खेली है तो why not here also? Okay. Sometime students say कि सर I organized this and this. Then we ask them tell me the responsibility what you were hoping in this organization जब आपने ये चीज ऑर्गेनाइज करी अपने कॉलेज में या अपने स्कूल में सर आई जस्ट ऑर्गेनाइज मेरे को उन्होंने कहा अरे now you see उन्होंने मेरे को मैंने now when you ask them specific role they are not able to reply properly sir. So these are all related. Rapid fire is one way of judging him, looking at his grasp and many other things, his sociability factor. आप जैसे वो शाम को गया आपका मैं उसका sociability देख रहा हूं कि वो लोगों से आस पड़ोस के भी मिलते हैं नहीं मिलते हैं हम उससे पूछते हैं जब वो स्टूडेंट होता है कि अच्छा स्कूल में के टाइम पे कुछ पॉकेट मनी मिलती थी तो हम उससे ये भी पूछ लेते हैं सेविंग फैक्टर हम कहोगे सर ये तो इररिलेवेंट क्वेश्चन हो गया थोड़ा अनरिलेटेड इट इज रिलेटेड कि उसमें कुछ चीज फ्यूचर के लिए इज ही प्लानिंग फॉर हिज फ्यूचर ऑल्सो और नॉट और इज प्लानिंग टू स्पेंड एवरीथिंग टूडे इटसेल्फ सो देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच वेरी डिफिकल्ट टू टेल ऐसे कि भाई पांच मिनट में या आधे घंटे के लेक्चर में व्हेन वी हैव दिस पीआईक्यू लेसन्स एंड अदर थिंग गोइंग व्हेन दैट टाइम आई एक्सप्लेन देम इन डिटेल कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग इट हाउ यू कैन कवर इट अप दैट्स व्हाट आई एम सेइंग डाउट सेक्शन में सर एक स्टूडेंट का बहुत रेलेवेंट एक डाउट आया सर असेसर ने रैपिड फायर में क्वेश्चंस पूछे व्हाट इज द ऑप्टिमम टाइम ऑफ गैप दैट अ कैंडिडेट शुड टेक कहीं ऐसा ना हो कि कैंडिडेट ने सर बहुत लंबा गैप ले लिया और अगर लंबा गैप भी लिया है देन व्हाट विल बी द इंपैक्ट अपॉन द असेसर ओके देखो कोई बात नहीं मैंने तो आपको बताया 15 सेकंड इज एन एक्सेप्टेबल गैप ओके इन रैपिड फायर इट कैन गो अप टू 20 बिकॉज द नंबर ऑफ क्वेश्चन इज हाई
Another question that your answer should be available to me in 10 seconds. In rapid fire, maximum 20 seconds. But no problem. If you're not able to speak immediately, he will ask you, just number 13, will you start? Yes, sir. Give me one minute. Aap 1 minute bolte hain. So what do you, now he understands that you are working on it. But that after that, the gap should not be much. Because if even now you are increasing the gap, that means you have surpassed the limit of 30 seconds. Definitely. That means you are not clear. So he will ask, are you clear about the question or not? Or you want me to repeat it? Now see, you are putting him, asking ki usko doubtful ho gaya aapke baare mein ki aapko samajh mein bhi nahi aaya. Why you want that situation to come? Tabhi maine kaha, aap education pe bolo pehle. Sirf parents pe bolo. Aapko time maine isi liye kaha ki pehle, maine kaha na ki seedha education pe a jao. कोई बात नहीं, 20 सेकंड सोच के एजुकेशन पे आ जाओ. देन सर ओके, नाउ आई विल बी टेलिंग यू अबाउट माय फैमिली एंड देन नाउ यू कैन अगेन टेक अ गैप ऑफ अबाउट 20 15 सेकंड्स टू थिंक अबाउट योर फैमिली एंड स्टार्ट रिप्लाइंग. सर तो परमिसेबल सर, अगर स्टूडेंट्स के लिए एक हम थोड़ा सा डेमोंस्ट्रेशन इस चीज का करना चाहें कि सपोज एजुकेशन रिलेटेड ही CIQ पूछा गया, तो सर आप थोड़ा सा स्टूडेंट्स को एक थोड़ा सा सर थोड़ा टेस्ट दे दीजिए कि व्हाट सॉर्ट ऑफ रैपिड फायर क्वेश्चंस रिलेटेड टू एजुकेशन कैन बी आस्क्ड. ओके ओके, रिलेटेड को हम शुरू करते हैं. जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने शुरू में बताया, आई गिव अ रैपिड फायर थिंग. ओके चेस्ट नंबर 13, टेल मी समथिंग अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड योर स्कूलिंग, फ्रॉम गोइंग अप टू क्लास 10. Tell me from where you did your 10th form, where you did your class 12th form, what were the boards in which you appeared for your class 10th and 12th, what were the percentage of marks obtained by you. Okay. Also tell me while you're doing, what was the reason you selected science, arts, music or whatever subjects he has done during your 10th to 11th and 12th, transition from 11th and 12th. Now, while you are telling me this, I would like you to tell me that which was your favorite subject during 11th and 12th and what were the marks obtained by you in that. While we are doing it, I would like to know, during your school days, who was the most loved teacher by you or the teacher whom you liked the most? Okay. After that, I would like to know, like me to tell me what all activities did you participate during your school days in your school. Also tell me, once you reach back home, what all activities you do after reaching back home and how you used to pass your time after reaching back home. Sometime instead of this, he may ask you, okay, I would also like to know how you spend your Sunday when you are not going to school, how you spend your Sunday with your family. So this is, I am telling you, he's talking about only about you as of now and your education. So this is one way he starts with the rapid fire. This is only for the educational part of it. Are you getting it? Okay. So, sir, अभी जो जितने students मेरे साथ session में आ चुके हैं, आपने भी देखा होगा कि आपकी काफी doubts आ रहे थे, तो सर ने आपको rapid fire के questions बताए, सिर्फ एक example लेके education से related. So, starting from your education, सर ने आपको एक अराउंड, he gave you an example of around 18 to 20 questions, जो at a stretch आपसे पूछे जाएंगे, and you have to answer them all at once. तो सर यहाँ पर स्टूडेंट्स जब आंसर करते हैं, सपोज सर दे हैव फॉरगॉटन अ क्वेश्चन और आपने बताया कि वो असेसर से पूछ सकते हैं, सो सर आइडियली क्या एक दो बार पूछना ठीक रहेगा या फिर अगर रैपिड फायर के, सपोज सर इट वाज आस्क्ड इन बस्ट मोड में, असेसर ने 3 अलग अलग CIQs को कवर कर लिया रैपिड फायर में, एंड इफ द कैंडिडेट फॉर एवरी टाइम ही आस्क्ड दैट सर प्लीज डू लेट मी नो इफ आई हैव लेफ्ट एनी क्वेश्चन, सर व्हाट विल बी द इंप्रेशन अपॉन द असेसर. ओके कोई बात नहीं, एक बार आप पूछोगे तो ठीक है, क्योंकि हमें भी मालूम है, आई हैव नॉट आस्क्ड वन क्वेश्चन, टू क्वेश्चन, थ्री क्वेश्चन, यू कैन आस्क सर आई हैव डन इट, आई थिंक आई स्टिल आई एम नॉट श्योर वेदर आई मिस समथिंग और नॉट, इफ यू थिंक आई हैव मिस्ड कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट आई हैव मिस्ड, आई विल लाइक टू कवर इट अप. दिस इज अ डिसेंट एंड अ वेरी अच्छा तरीका है अपने पूछने का कि मेरे से कुछ भूल तो नहीं गया, एंड ही विल टेल यू ओके टेल मी समथिंग अबाउट दिस 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 दिस, बट यू कांट कीप रिपीटिंग इट. आपने उसको दोबारा, उसने दोबारा बताया, आपने आपने कर दिया, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में भी आपने कोई ऐसी गलती करी या थर्ड क्वेश्चन में भी आपने कहा,
सो देन इट विल नॉट बी दैट. मैंने पहले भी बताया जब आपने पूछा था कि देन ही स्टार्ट हैविंग अ डाउट कि भाई रिटेन कर पा रहा है मेरी बात को, यानी मेरी बात को समझ पा रहा है या नहीं, इज इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन इज अप टू द मार्क और नॉट. और ये प्रॉब्लम आती है जब बच्चा बहुत ज्यादा इंग्लिश में वीक होता है और वो क्वेश्चन रैपिडली इंग्लिश में पूछता है, तो बच्चा को टाइम लगता है उस इंग्लिश वाले क्वेश्चन को पहले हिंदी में कन्वर्ट करने में, और वहां कहीं पे वो थोड़ी सी गलती कर बैठता है जिसकी वजह से उसे कई बार डाउट आ जाता है. ओके, सो थोड़ा सा मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अगर आप सुनने के भी और बात करने के भी इम्प्रूव करेंगे तो आपके इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के चांसेस, बिकॉज वो जो है अपनी लय में बोलेगा, इंग्लिश में ही बोलेगा वो. जब आप बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे, जब वो देखेगा कैंडिडेट थोड़ा नर्वस हो रहा है, तभी शायद आपको हिंदी में बात करे, अदरवाइज ही विल नॉट टॉक टू यू इन हिंदी. और प्रॉब्लम आती है कि बच्चा जो वर्ड्स इंग्लिश के हैं उनको जब वो हिंदी में कन्वर्ट कर रहा होता है उसमें कहीं पे उसको गड़बड़ हो जाती है और वो वहां पे मार खा जाता है. Sir, is there any way to keep a track of all the questions, number of questions asked? Or sir, कुछ नहीं, generic तरीका हो सर? Generic तरीका कोई नहीं. इसमें मैंने कहा, nobody, let me tell you, very few people are there who are able to reply 100% on your rapid fire. हर कोई दो या तीन चार points भूल जाता है, because एक दो question नहीं है, it's a huge list of questions and you people are also under pressure. We also know it. You are under pressure. So we don't expect 110% of yours. Okay. कोई चिंता नहीं. पर जैसे मैंने कहा, याद रखिए, सबसे पहले वो आपको एजुकेशन के बारे में पूछेगा, तो आप बी प्रिपेयर्ड. आप उसमें बेबी तैयार रहिए कि अगर आपके नंबर डिप हुए हैं तो आपने उसके लिए भी तैयार रहना है कि ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा एजुकेशन में. अगर आपने अपनी स्ट्रीम चेंज करी है, साइंस से कॉमर्स में आई हो, मैथ्स में, बी प्रिपेयर्ड कि वो इसके बारे में जैसे ही मैं बोलूंगा ही विल आस्क मी क्वेश्चन. सो जहां जहां आपने चेंजेस किए हैं अपने लाइफ के पैटर्न्स में, उनके ऊपर भी प्रिपेयर्ड, ही विल आस्क यू क्वेश्चन. तो पहले जैसे मैंने कहा, ही विल बी आस्किंग अबाउट एजुकेशन, देन ही विल बी आस्किंग समथिंग अबाउट योर पेरेंट्स, देन ही विल बी आस्किंग समथिंग अबाउट योर को-करिकुलर एक्टिविटीज, हॉबीज एंड इंटरेस्ट. तो यू कैन रिमेम कि मैंने पेरेंट्स को मैंने ओके आई हैव कवर्ड माय थंब. मैं बताता हूँ, एजुकेशन पे सब शुरू होते हैं, बट उसके बाद वो कई बार करिकुलर एक्टिविटीज पे आते हैं, पेरेंट्स को थोड़ा बीच में बाद में ले आते हैं. डोंट वरी, आई एम नॉट वरीड अबाउट इट. आगे पीछे हो गया, मैंने कहा ना, इट सो फार यू आर कवरिंग इट, it doesn't make a difference to me. I know that it is there, आ रहा है, but preferable is कि अगर आप उसी sequence में करें, preferable is. और अगर आप कोई भूल जाते हैं और आपको बाद में, oh, सर ने पूछा था कि how much money I get in pocket money in my school days या in my college days. Okay, sir, I think I forgot to tell you about my pocket money part of it. This is it. So आप, you can towards the end also, जब आप खत्म कर चुके, मतलब बोल चुके हैं, तो कह सकते हो सर I think I forgot in that sequence, तब भी आप उसको add कर सकते हो. There is no harm. तभी मैंने कहा ना, एक answer दे सकते हो, you can go to F, you can come back to B, you can even go back to Z and come back to E. But so far you are able to answer maximum number of it. I think that will be justified. तो यहाँ पर मेरे साथ सेशन में काफी स्टूडेंट्स हैं जिनके कुछ डाउट आते हैं. कुछ लोग कह रहे हैं सर व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आर्म्ड फोर्सेस, उसके आंसर बता दीजिए. सर रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन के कैसे टैकल करना है. सो टू ऑल अ सिंपल आंसर टू ऑल ऑफ दी स्टूडेंट्स, ये सेशंस हम पहले ही कंडक्ट कर चुके हैं. आप प्लीज एक बार हमारे यहाँ पर प्लेलिस्ट देखेंगे, यू विल फाइंड around 4 to 5 sessions on important questions asked in the SSB interview and what are the expected, what are the acceptable answers. So, aap log please ek bar playlist zarur dekhiyega. Ye answers hum pehle mark kar chuke. Aur sir, aaj ending note par yahan par rapid fire questions, personal interview. Sir, yahan par sari cheeze agar hum dekhe, तो सर कैंडिडेट कई बार ये सोचता है कि सर आपको एक सीक्वेंस मुझे बता दीजिए जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. जैसे सर कई बार आप अपने स्टूडेंट्स को भी बताते हैं, यू कैन आस्क इन दी रिवर्स ऑर्डर ऑफ दी PIQ, असेसर रिवर्स ऑर्डर में पूछ रहा है या एक सेम एक स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स पूछ रहा है. सर व्हाट इज समथिंग दैट अ कैंडिडेट शुड कीप इन माइंड? ओके, सबसे बड़ी बात है, ही विल, सबसे पहले जब वो आपसे शुरू करेगा, ही विल आस्क अबाउट योर जर्नी, आपकी जर्नी, आपके स्टे. He will ask you about your stay and journey. कि आपकी जर्नी कैसे थी और आपका स्टे कैसे है यहाँ पे. Either one of the things. Okay? Why? Now, ये चीजें ऐसी जिसमें आपको you will feel comfortable and he will be able to establish one-to-one interaction with you. तो सबसे पहले वो आपसे शुरू करता है यही बात पूछ के, हाउ इज योर स्टे,
Are you facing any difficulty? Have you made any friends? Now, don't think he's only establishing rapport with you. Ab aapne kaha, nahi sir, I have not made any friends so far. Is it good or bad? आपका socializing factor जो है उसके ऊपर doubt आ गया ना उसे कि I have not made any. So don't worry. So वो आपको comfort कर रहा है, but साथ साथ अपना काम भी कर रहा है. वो पहले आपको comfortable करेगा आपकी, और उस comfortable हो जाने, जब आप वो देखेगा कि आपके answers आने शुरू हो गए हैं, आप pressure में नहीं है, then only he will give you the rapid fire question. उससे पहले वो रैपिड फायर नहीं पूछता. He make sure that you are an ease in your chair and then only he goes to the rapid fire session. I think this is what you wanted to know. वो पहले कैंडिडेट को कंफर्टेबल करता है. जैसे वो कैंडिडेट से पूछता है, you have come from Delhi towards Bhopal. Tell me की जर्नी कितने घंटे की थी. Okay. How have you come? Were you able to talk to anybody in the train while you were traveling from Bhopal? No, sir, it was a nice journey. Oh, good. But tell me, what is the distance between Bhopal and Delhi? He wants to know something about it. Okay. और ये सब आंसर आपके पास होते हैं. सर, यहाँ पर अगर हम काफी चीज देखते हैं तो रैपिड फायर शुरू करने से पहले कई बार असेसर कैंडिडेट से बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है. वही मैंने बताया आपको, दैट टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. सर, तो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ का क्या आंसर होना चाहिए? कैंडिडेट को कितनी चीजें वहां पर बतानी है? Okay, tell me about yourself, sir. My name is so-and-so. I am so-and-so. I have done my graduation from here. I have done this. And I have cleared my ND. And today I am sitting in front of you for my interview. बहुत ज्यादा आपको इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. I have done my tests. I have done my... क्योंकि सारा कुछ तो आपने लिख के दिया हुआ है. He knows everything about you. So you have to tell it in a different manner. Sir, my name is so-and-so. I am from Delhi. I have... completed my graduation, and after completing my graduation, I gave my CDS examination. I cleared my CDS, and today I am sitting in front of you to give my interview because I want to join armed forces. Okay. Now let him ask whatever he wants to ask. बहुत ज़्यादा डिटेल में अपनी ब्रीफिंग देने की ज़रूरत नहीं है. तो सर, यहाँ तो आज रैपिड फायर में आपने काफी चीजें कवर कर ली. रैपिड फायर में सर, स्टूडेंट्स, वो सर जिन्हें काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं सर जिन्हें आइडिया है SSBs का, उन्हें पता है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज रैपिड फायर. रैपिड फायर कैंडिडेट को स्टेबल और डीस्टेबलाइज एकदम कर देता है. बिल्कुल. ऑन अ एंडिंग नोट सर, आप क्या एक स्टूडेंट को एक टिप देना चाहेंगे दैट ही शुड रिमेम्बर व्हेन ही इज इनटू द रूम, व्हेन ही इज बिफोर द असेसर, व्हाट ही शुड डू? ओके, रिमेन योरसेल्फ कूल एंड काम. Remember, he can, you, even if you're not happy with him, you cannot reject him. You cannot reject him. But he is the person who can select you. Okay, your rejection will not make a difference. He will tomorrow again, they're sitting on the same chair. But his selection of yours will make your career. So keep yourself cool, calm, and a positive stance towards him. So to keep remembering that he's the one who has to select me, I have to be more clear with him, and instead of rejecting him, usse irritate nahi hona. Kai bar bachche hamare questions se humse irritate ho jate hain. Jaise maine kaha, personal questions pe kai bar wo irritate ho jate hain, ya kuch baatein poocho to irritate ho jate hain. Don't get irritated. Keep yourself calm. Keep yourself, your confidence high. Keep your body language positive, and that is the key to your success. बोलो सर. सर, तो थैंक यू सर. आपने बिल्कुल, ये लास्ट में तो वो सर, वो कहते हैं ना, गागर में सागर भर दिया सर आपने. कैंडिडेट को बता दी, क्योंकि सर काफी ज्यादा कैंडिडेट्स को यही दिक्कत आती है सर. बैचेस में हम कई बार देखते हैं स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आते हैं कि सर SSB से पहले असेसर के पास जाने से पहले डर लगता है. नहीं, डर नहीं, डर मैंने, अगर आपने मेरी माइंडसेट के ऊपर क्लास देखी होगी तो मैंने उसमें बड़ा अच्छा जो महात्मा गांधी ने लिखा है कि व्हेन यू थिंक टू डू समथिंग then start focusing on it. Sir. And find out means and ways how to achieve that. Sir. Though you may not be having those means and ways at the beginning when you decided. Sir. So once you decide ki aapne jana hai, then find out the ways and means. Ki mere paas, mere ko pehle SSB ke baare mein kuch nahi pata, IO ke baare mein, GPO. So find out ways and means to learn about it. And then start working hard on it. Keep practicing how to clear it. And you will be able to do it. फोकस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फोकस. और उसमें सबसे बड़ी बात जो उसमें वो आता है फोकस करने के टाइम पे, हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ.
When you are confident, then you are focused. और कॉन्फिडेंस किस पे? ऑन योर ओन सेल्फ. और वो कैसे देते हो आप? बाय सेइंग रिपीटेडली, आई कैन डू इट, आई एम बेटर देन अदर्स, आई थिंक आई कैन मेक इट. सो यू आर डूइंग अफर्मेशन टू योर सेल्फ. बाय डूइंग दैट यू आर इंक्रीजिंग योर कॉन्फिडेंस एंड देन व्हेन यू गो यू रिमेन काम. तो सर आज मुझे लगता है कि सर काफी स्टूडेंट्स को बहुत काम की चीजें समझ आई होंगी. बाकी जो लोग सर काफी, तो आपको स्टूडेंट्स सेशन में यही डाउट थे कि सर मेरे पास एनसीसी थी नहीं थी, बट मैं काफी जो स्टूडेंट्स आप लोगों के डाउट है एनसीसी से रिलेटेड या फॉर दैट मैटर जॉब किसी भी चीज से रिलेटेड, सो प्लीज गो थ्रू आवर प्लेलिस्ट. हम सभी टॉपिक्स जो है आपके पहले कवर कर चुके हैं. अगर बीच में आपके किसी मिसलेनियस क्वेश्चंस का क्वेश्चन को हम टेकअप नहीं करते तो आप ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चंस हम पहले कवर कर चुके हैं और या फिर इसके लिए स्पेसिफिकली अलग से सेशन हम लोग लेकर आएंगे. क्लियर. इसके अलावा आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके, जो नॉट इन द चैट बॉक्स बट इन द कमेंट सेक्शन, आप बता सकते हैं दैट व्हाट ऑल टॉपिक्स डू यू वॉन्ट ईदर मी और सर टू कवर अप. ठीक है, आप क्या क्या टॉपिक्स चाहते हैं कि सर आपके लिए कवर करें, क्या क्या आपको एग्जांपल्स दें. सो प्लीज फील फ्री टू सजेस्ट अस एनीथिंग. सो सर इट वाज नाइस इंटरेक्टिंग विद यू. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू वेरी मच टू ऑल द स्टूडेंट एंड विश देम ऑल द बेस्ट फॉर देयर एसएसबी. So, good evening all. Thank you very much for joining us today. Please do not forget to like the video and please do not forget to share it with your friends. We'll see you all in the next session. Jai Hind.